नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के बारे में। अगर हम दोनों कंपनी की बात करें तो दोनों कंपनी आज के दिन लगभग 5% 6% 5.5% के आसपास डाउन हुई। हालांकि दोस्तों गिरावट हो गई तो फिर जो है कि रिकवरी थोड़ी सी भी देखने को नहीं मिली है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और दोस्तों अभी मतलब क्या है कि सभी को पता है दोस्तों कि मर्जर के कारण इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि कब इन कंपनियों का मर्जर होगा और कितने शेयर हमको मिलेंगे, जिससे रिलेटेड अभी हम बात करेंगे। और बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों बाइंग करने के बारे में पूछ रहे थे, तो अभी उनको कौन सा स्टॉक बाइंग करना चाहिए, जिससे रिलेटेड अभी मैं अपने पॉइंट से बात करूंगा कि आपको लॉन्ग टाइम में क्या फायदा होगा दोस्तों और शॉर्ट टाइम में क्या फायदा होगा। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, दोनों को जो है कि कवर कर लेते हैं। स्टॉक हमारा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जो कि HDFC के नाम से जाना दोस्तों। इसके कारण ही आज के दिन पूरा मार्केट गिरा है और इसी के कारण दोस्तों बताना चाहते हैं कि HDFC बैंक में भी गिरावट देखने को मिली है। रीजंस क्या है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि जब मतलब इन दोनों का पहले से ही अनाउंसमेंट हो गया है कि HDFC लिमिटेड को HDFC बैंक में जो कि मर्ज किया जाएगा। जो कि देखा दोस्तों, तो ये दोनों स्टॉक कहाँ पे है दोस्तों, MSCI इंडेक्स में भी है। अगर मैं MSCI इंडेक्स की बात करूँ तो उन्होंने क्या किया, लगभग 0.5% के आसपास देखा जाए तो उन्होंने जो कि मतलब जो इसका वेटेज था उसको जो है कि डाउन किया, जिसके कारण देखा जाए तो आज के दिन दोनों स्टॉक पे अपने को ज़बरदस्त बिकौली देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों कब जो है कि अपने को शेयर मिलेंगे और कब जो है कि क्या है, सारा कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, जैसा कि आप देख भी सकते हैं दोस्तों कि आज के दिन मतलब एक बार गिरावट हो गई दोस्तों, तो जो है कि दोनों शेयर का चार्ट आपको सेम ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो HDFC बैंक 5.5% 6% के आसपास जो है कि HDFC बैंक में भी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे भी सेम स्टोरी है दोस्तों, आप इसके भी अगर चार्ट को देखेंगे तो वही सेम ही देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर न्यूज़ भी देखेंगे दोस्तों, 700 पॉइंट जो है कि सेंसेक्स गिर गया आज के दिन। और अगर हम निफ्टी की बात करें दोस्तों, निफ्टी भी लगभग 200 पॉइंट के आसपास गिर गई है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, 6% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। और यही भी दोस्तों देखा जाए तो कुछ पॉजिटिव साइन भी है। पॉजिटिव साइन की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस जो HDFC लिमिटेड है दोस्तों, 3290 रुपये का टारगेट दे दिया गया है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो अभी गिरावट देखने को मिल गई, आने वाले समय में हो सकता है कि तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों आप यहां पे न्यूज़ भी देख सकते हैं, जो कि MSCI अपडेट के कारण जो है कि आज के दिन स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। जैसा कि आप यहां पे देखें दोस्तों, तो जो कि इन्होंने जो मतलब फाइल किया दोस्तों, लगभग 0.5% का जो कि एडजस्टमेंट किया, जिसके कारण आज के दिन इन दोनों स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों आपको पता है कि मर्जर के कारण जो है मतलब जो MSCI इंडेक्स में ये दोनों कंपनियां हैं दोस्तों, तो ऑलरेडी देखा जाए जब एक कंपनी हो जाएगी दोस्तों तो जो कि एक ही रहेगी, तो इसके कारण थोड़ा सा क्या है कि एडजस्टमेंट किया है उन्होंने। एडजस्टमेंट के कारण आज के दिन 5% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि उन्होंने भी दोस्तों और बहुत सारे ब्रोकर्स ने भी बताया है कि इनका जो लॉन्ग टाइम में देखा जाए तो जो सारे एडजस्टमेंट पूरे हो जाएंगे, लेकिन शॉर्ट टाइम में थोड़े से प्रॉब्लम दे सकते हैं। वहीं पर अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो 5 साल में इस बैंक ने कुछ इतना खास रिटर्न बना के नहीं दिया। हालांकि ये लार्ज कैप कंपनियां दोस्तों, तो ये आपके रिटर्न को सेफ बनाती है। तो ऐसे में सेफ रहने का मतलब क्या है कि इनको आप कभी भी जो है कि सेल कर सकते हैं, मतलब ना आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। हालांकि देखा जाए तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, तो बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं देंगे। आपका जो कैपिटल है दोस्तों वो शायद सेफ रह सकता है, ऐसे मतलब इस प्रकार की ये बैंक है। जैसा कि आप इनके अगर चार्ट को भी देखेंगे ना तो एक ही दायरे में देखने को मिलेंगे आपको। वहीं पर अगर हम कंपनी की बात करें तो रिसेंट में ही कंपनी ने एक बाउंड वीक का हाई लगाया था, जो कि देख सकते हैं लगभग 1734 रुपये के आसपास कंपनी का बाउंड। अगर हम HDFC की बात करते हैं दोस्तों, तो इस कंपनी ने भी देखा जाए इतना कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया है। 5 साल में लगभग जो है कि 41% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। हालांकि देखेंगे दोस्तों तो ये भी कंपनी एक ही दायरे में चल रही है, अभी तक जो है कि 3000 के लेवल को टच नहीं किया है। अगर हम वही भी मैगजन चार्ट पैटर्न की बात करें तो 12197% का रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने। और इसके जो चार्ट देखेंगे दोस्तों, तो लॉन्ग टाइम में चार्ट आपको गिरावट तो देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों इतना हैवी गिरावट वॉलेटाइल नहीं देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी ने 2867 रुपये का 52 वीक का हाई देखा जाए तो कंपनी ने लगाया था रिसेंट में ही, जो कि लो की बात करें तो 2026 का है। हालांकि दोस्तों जो पहले इनका जो गणना था, कैलकुलेशन था, जो कि देखा जाए तो 1 गुना के आसपास था, मतलब 1x में था। और अभी की बात करें जो कि 0.5x में है, जो कि देखा जाए तो जो पहले बताए थे इनफ्लो मतलब जो प्रवाह होगा देखा जाए तो 3 बिलियन के आसपास था, जो कि अभी इनका जो मानना है दोस्तों लगभग 150 से 200 मिलियन के आसपास हो सकता है। हालांकि दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर को इंतजार था कि कितने शेयर मिलेंगे। तो सबसे पहले आपसे बता दें दोस्तों कि अगर आपके पास HDFC लिमिटेड के 25 शेयर हैं दोस्तों,
तो आपसे बताना चाहते हैं कि आपको जो है कि 42 शेयर के आसपास जो है कि HDFC बैंक का मिलेगा। हालांकि दोस्तों आप अगर कैलकुलेट करेंगे 2700 के आसपास, 2700 और इंटू 25 करेंगे तो जो कि 68,000 के आसपास पहुंच जाएगा अमाउंट। वहीं पर अगर 42 शेयर और इंटू जो है कि लगभग 1620-1670 के आसपास करेंगे तो जो है कि आपको जो है कि 68,000 के आसपास ये भी अमाउंट पहुँच जाएगा, मतलब एक रुपये का भी लॉस होने वाला नहीं है। वहीं पे अगर हम इनके मर्जर्स की बात करें तो बहुत सारे ट्रेडर को क्या है कि इंतजार है दोस्तों कि हमको कौन से शेयर में अभी निवेश करना चाहिए, जो कि देखा जाए तो मतलब उनको शॉर्ट टाइम में फ़ायदा हो सके तो जिसको हम आगे कवर करें। लेकिन हाँ, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये जो एक्विजिशन है, मतलब जो एक्विजिशन नहीं माफ़ करना, ये जो मर्जर्स का न्यूज़ है दोस्तों, ये आने वाले समय में जुलाई 2023 तक पूरी तरह से जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि दोस्तों आपको अभी देखा जाए तो मार्केट में जो है कि शेयर मतलब लिस्ट तो होने वाला है नहीं, तो आपके पोर्टफोलियो का देखा जाए तो वेटेज हो सकता है कि कुछ बढ़ते हुए भी दिख सकता है। हालांकि दोस्तों अभी हमको कौन सा शेयर बाइंग करना चाहिए, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि आप दोनों में से किसी भी शेयर को बाइंग करके एक रुपए का भी आपको लॉस होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, वोलेटाइल की बात करें तो हो सकता है कि मतलब जो HDFC लिमिटेड है दोस्तों, उसमें कुछ कम जो है कि बाइंग होते हुए दिखे, लेकिन HDFC बैंक की बात करें तो हो सकता है कि उसमें कुछ ज़्यादा बाइंग करते हुए दिख सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आने वाले समय में दोस्तों जो HDFC लिमिटेड है, ये जो है कि HDFC बैंक में ही मर्ज हो जाएगा, जिसके कारण हो सकता है कि डायरेक्टली जो है कि जो बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, मतलब HDFC बैंक को ही बाइंग कर सकते हैं। HDFC लिमिटेड की बात करो तो हो सकता है कि इसमें मतलब मेरा कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कुछ कम वैल्यूम बनते हुए दिख सकते हैं। लेकिन HDFC बैंक की बात करें तो हो सकता है कि इसमें कुछ ज़्यादा वैल्यूम बनते हुए दिख सकते हैं। लेकिन हाँ, आप चाहे किसी भी शेयर को बाइंग करेंगे दोस्तों, एक रुपये का भी आपको लॉस नहीं होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।